हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और खुशखबरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छाप तारीख 17/2/2024, यानी कि अभी अभी ये स्टेटस चेक किया गया है। और इनका अगर पाठ्यक्रम एवं वर्ष देखें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स सेकेंड ईयर, यानी कि रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, रिन्यूअल किया था इन्होंने फॉर्म। और ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है और इनकी कास्ट कैटेगरी OBC है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाँचवा वेरीफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि DWOC इनका वेरीफाइड कर दिया गया है। वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 16/2/2024 के डेट में। अब कभी कभी ये होता है कि आपका पहले ही वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है लेकिन वहाँ पे दिखाता नहीं है। कभी कभी वेबसाइट पे अपडेट होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। तो अगर आपका भी वेरीफाइड कर दिया गया होगा, अपडेट कर दिया गया होगा, अगर अभी फिलहाल में नहीं दिखा रहा होगा तो एक दो दिन में आपका भी दिखाने लगेगा। और इस प्रकार से अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है तो आपकी सारी चीज़ें सही है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, सर मेरे में पॉपअप की समस्या आ रही है, मेरा ओल्ड वाला स्टेटस यानी कि प्रीवियस ईयर का स्टेटस ओपन हो रहा है, नया वाला जो स्टेटस है वेरीफाइड स्टेटस है वो मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ, कैसे चेक करूंगा, तो मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जो स्टूडेंट्स नहीं चेक कर पा रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स का डाटा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड बाय बैंक, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और करंट स्टेटस में दिखा रहा होगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि आप चाहे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों, चाहे आपकी कास्ट कैटेगरी कोई भी हो, जनरल OBC SC ST माइनॉरिटी, सभी स्टूडेंट्स का जो वेरीफिकेशन का कार्य है वो स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे आपका अपडेट हो रहा है। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जो करेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, करेक्शन किए हैं, उनका अभी कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से जब कॉलेज लेवल से वेरिफिकेशन हो जाएगा तब NIC द्वारा उनका स्क्रूटनी वगैरह होगा, जांच वगैरह होगा, उसके बाद से उनका स्टेटस वगैरह फाइनल और ओरिजिनल स्टेटस रिलीज किया जाएगा। अभी फिलहाल में जिन बच्चों का पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा था, उनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ रहा है। आप जाकर के चेक करके कमेंट करके बताइए कि आपका वेरीफाई हुआ या फिर नहीं। एक और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको नया वाला स्टेटस चेक करना है। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।